कुछ था क्या न था, फिर भी जो एक कमी सी थी उसका पता न था। यूं तो कोई गिला नहीं, ये कौन मुझ में छुप के मुझे देखने लगा। इतना हसीन पहले कभी आईना न था। यूं तो कोई गिला नहीं, मेरी मार्केटिंग मैनेजर होने के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी। आज मेरी मीटिंग है होटल कॉजन इंटरनेशनल में, मैं पहुंच जाऊंगी। वरना अक्षय कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा हाथ मांगने में इतनी देर लगा दो कि मेरे पापा मेरा हाथ किसी और के हाथ में थमा दे। अपनी एजेंसी भी तुम्हारे नाम पर ही खोल रहा है, तो चेक भी तुम्हें दे दूं। रुको आराधना, इन्हें अपनी इज्जत की परवाह हो या ना हो, लेकिन मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। सिमरन, सागर को लेकर कमरे में जाओ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। और वैसे भी ये इतने छोटे तो नहीं है, इन्हें भी तो पता चले कि जॉइंट फैमिली की आड़ में हमारे साथ कैसे भेदभाव किए जाते हैं। वृंदा बेटे, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करते। सिमरन जा। देखा देखा आप सबने क्या वैल्यू है मेरी इस घर में। और तो और, इसने मेरे बच्चों को भी अपने काबू में कर लिया, और क्यों ना करे। सारे फैसले यही तो लेती है, आराधना आराधना। घर में कुछ भी हो आराधना, पूजा हो तो आराधना, कोई फैसला लेना हो तो आराधना। हमारा क्या, इस घर में हम मरे या जिए किसी को क्या फर्क पड़ता है। शांत हो जा बेटा, कब से इस बात का बतंगड़ बना रखा है। तुम्हारे साथ इस घर में कभी भी किसी ने भेदभाव नहीं। अरे हर बात में तुम आराधना को दोषी ठहराती हो। तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हारे बच्चों को इतने प्यार और लगन से संभाला है। निर्मला ठीक कह रही, आराधना के बारे में इस तरह गलत बातें नहीं करते। मेरा मुंह मत खुलवाइए, सब कुछ जानती हूँ मैं। कैसे जानबूझकर मुझे बेबस और लाचार बना दिया गया है ताकि इस घर में मेरा कोई वजूद ही ना हो। और मेरे पति इस घर में इनकी जगह नौकर से ज्यादा नहीं है। बस वृंदा बस करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तुम चलो चलो अपने कमरे में, और यहाँ तमाशा मत करो। बस, मुझे अपने कमरे में नहीं जाना है, और ये तमाशा मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने इस घर में थोड़ी सी भी इज्जत बनाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें तो अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, पर मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। मैं आप सबसे पूछती हूँ, अक्षय को बिजनेस के लिए पैसे देने से पहले मुझसे और भरत से क्यों नहीं पूछा गया, हमारी सलाह क्यों नहीं ली गई। अक्षय, अक्षय रुको, इतना नाराज होकर नहीं जाते। अक्षय को नाराज होने का हक है, ये तेवर दिखा सकता है, लेकिन मैं कुछ कहूँ तो बाप का बतंगड़ बनाती हूँ। बनाओ तो अब रही है भाभी। अगर हमने अक्षय को उसकी एजेंसी शुरू करने के लिए पैसे दे दिए तो कौन सी बड़ी आफत आ गई। हमारा छोटा भाई, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसकी मदद।
अगर भरत भैया का अलग नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो क्या हम उन्हें पैसे के लिए मना करेंगे? हम उनकी मदद नहीं करेंगे। और भाभी आज तक मदद की है। पता था मुझे कि तुम अपनी इस मेहरबानी का ढिंढोरा जरूर पीटोगे। आप तो हमारे अन्नदाता हैं। बड़े भाई और पापा के रहते हुए भी सबको तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। वृंदा तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे बारे में कभी ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था इस घर में। जो भी है तुम सबका है। सब जानती हूँ मैं किसका क्या है कौन क्या चाहता है। बस भाभी बस आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। भरत भाई साहब भाभी को समझाइए कि अपनी हद में रहकर बात करें। वृंदा प्लीज प्लीज वृंदा चुप रहो। तुम्हें जो कुछ कहना है कमरे में चलकर कहो। यहाँ तमाशा बहुत हो गया। चलो नहीं चलो नहीं है चलिए प्लीज। सब जानती हूँ मैं सारी चाले समझती हूँ। मैं चल फिर नहीं सकती ना इसीलिए। लेकिन बोल तो सकती हूँ मुझे भी ज़बान है और मैं बोल कर रहूंगी। बस बस वृंदा बस भगवान के लिए अपने गुस्से पर काबू रखो। नहीं क्यों अपने आप को दुखी करती हो और दूसरों को तकलीफ देती हो। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। तुम हालत नहीं देखी जाती लेकिन औरतों की तरह आंख में आंसू लाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते तुम। देखो तुम्हें जो इल्जाम लगाने हैं लगाओ। इस चार दीवारी के अंदर इस घर से बाहर बोलूंगी। सरेआम सबके सामने मैं बोलूंगी। सब कुछ देखते हुए भी तुम चुप रह सकते हो मैं नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी सारी चालें समझती हूँ। वो तो चाहते ही नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। इसलिए तो कभी भी ढंग से मेरा इलाज नहीं करवाया अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखवाया। वो चाहते हैं कि मैं व्हीलचेयर की मोहताज बनी रहूं। पर वो शैलेंद्र आराधना और तुम्हारा अक्षय अपने ऐशो आराम पर घर की सारी दौलत लुटा दे और मैं इस कमरे की चार दीवारी के अंदर घुट घुट कर मर जाऊं। बस करो बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी इस हालत के लिए परिवार को जिम्मेदार ठहरो? ओ तो तुम में भी बोलने की हिम्मत है तो परिवार वालों के सामने तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती? क्या समझाऊं तुम्हें कैसे समझाऊं? ना सब ये वहम है तुम्हारा। तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाया गया है। अरे आराधना ने तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। तुम्हारे इस बर्ताव के बावजूद हर कोई तुम्हारी देखभाल करता है तुमसे प्यार से बात करता है और तुम सभी को दोष दे रही हो। क्यों क्यों करती हो ऐसा? अब तक मैंने किया ही क्या है? अगर चल फिर सकती तो मैं कब की अपने बच्चों को लेकर ये घर और तुम्हें छोड़कर जा चुकी होती। के लिए कॉफी। आराधना अगर कॉफी की जगह विस्की ले जाती दर्पण बेरा। आप इतनी टेंशन मत लीजिए।